नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ओम प्रकाश में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके सामने क्यूब रूट निकालने के शानदार तरीके के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। तो उस पूर्व तैयारी में हमें कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27। इस तरह से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन लिखा हुआ है, यह आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। इसके बाद एक और बात है जो आपको याद रखनी होगी। इसमें क्या करते हैं, जब किसी भी संख्या का, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, उसका 5 सेकंड में आप अच्छी तरह से घनमूल निकाल देंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि किसी संख्या का यदि इकाई अंक जो है वो 1 आ जाए, यदि किसी संख्या का, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उस संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी 1 ही होगा। यदि कोई संख्या आ जाए आपके सामने, चाहे कितनी ही बड़ी हो, उसका यदि इकाई अंक 4 है, तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी 4 होगा। इसी तरह से यदि आपके पास संख्या लिखी हुई है, उसका इकाई अंक 5 है, तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। यदि 6 है किसी संख्या का अंतिम अंक, तो घनमूल का अंतिम अंक भी 6 होगा। इसी तरह से यदि 9 है, तो घनमूल का इकाई अंक भी 9 होगा। इसके अलावा आपके सामने 2 नंबर और बच गए, 1 आ गया, 4 आ गया, 5, 6 और 9। इसके अलावा यदि आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है जो काफी बड़ी है, और उसका इकाई अंक यदि 2 है, तो उसके घनमूल का इकाई अंक हम देखते ही बता देंगे कि उसके घनमूल का इकाई अंक होगा 8। इसी तरह से यदि आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है और उसके अंतिम अंक जो है वो 8 है, तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी 2 होगा। यदि 2 है अंतिम अंक, तो घनमूल का इकाई अंक 8 होगा। यदि 8 है, तो घनमूल का इकाई अंक 2 होगा। इसी तरह से 1, 2 आ गया, 3। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, या कहे इकाई अंक 3 है, तो घनमूल का इकाई अंक 7 होगा। और यदि 7 है संख्या का इकाई अंक, तो उसके घनमूल का इकाई अंक 3 होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 होगा तो 3, 8 होगा तो 2 और 9। इस तरह से हमें यह चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यदि आपके सामने कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर का अंतिम अंक आपको ये दिखाई दे रहा है, यदि अंतिम अंक इनमें से कोई सा भी दिखाई देता है, यदि 1 दिखाई दे रहा है, तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी 1 होगा। यदि 4 दिखाई दे रहा है, तो घनमूल का इकाई अंक भी देखते ही लिख देना है, 4 ही होगा। यदि 5 दिखाई दे रहा है, तो घनमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। यदि 6 दिखाई दे रहा है, तो घनमूल का इकाई अंक भी 6। इसी तरह से 9 दिखाई दे रहा है, तो घनमूल का इकाई अंक भी 9। तो ये तो बहुत आसान है, आपको सिमिलियर सेम है। यदि 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। इसके अलावा बचे 2 नंबर। यदि आपके सामने किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है, तो घनमूल का इकाई अंक 8, और यदि अंतिम अंक 8 है, तो घनमूल का इकाई अंक 2। इसी तरह से यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 है, तो घनमूल का इकाई अंक 7, और यदि 7 है, तो घनमूल का इकाई अंक 3। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये सब बातें यदि आपने ध्यान रख ली, तो आप चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका घनमूल 5 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं उदाहरण की सहायता से। सबसे पहले आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, 12,167, 12,167। इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ हो और उसकी घात हो 1/3,
इसका मतलब आपको समझ जाना है, दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। दूसरी चीज आपके सामने आ सकता है, इस तरह से करणी चिन्ह बना दे और 12167 इसके अंदर लिखा हुआ हो, और ये जो करणी का साइन है यहां पर लिखा हुआ हो 3, इसके अंदर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब भी यही होता है कि आपको घनमूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट ज्ञात करना है। अब स्टेप फर्स्ट, जब आपको किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना हो तो इकाई की तरफ से प्रारंभ करते हुए 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। अंतिम समूह में 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, इकाई की तरफ से तो यह आ गया आपके पास प्रथम समूह, अब अंतिम समूह में केवल 2 अंक बचे तो यह हो गया आपका दूसरा समूह। अब मैंने बताया आपको देखते ही बताना है, सबसे पहला समूह है 167 में अंतिम अंक देखना है आपको। साथ है, अभी देखा था हमने, यदि किसी संख्या के अंत में अंक 7 आए तो उसके घनमूल का इकाई अंक कितना होता है, तो हमने देखा था 3 होगा। अब इसके बाद आ जाओ दूसरे समूह पे, दूसरा समूह है 12 लिखा हुआ है। अब आपको देखना है 12 के बराबर या 12 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो इधर आ जाओ, यह हमें याद होगी, यहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो 12 से ठीक छोटी, 12 के बराबर तो नहीं है, 12 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 8 है। तो अब जब 8 है और 8 किसका घन है, 2 का घन, तो आपके पास जो संख्या 12167 लिखी हुई है इसका जो दूसरा अंक होगा वो होगा 2, क्योंकि 12 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या 8 है और 8 किसका घन होता है, 2 का, तो घनमूल का जो द्वितीय अंक होगा वो होगा 2। तो आपके सामने 12167 का घनमूल आ गया 23। एक और उदाहरण देखते हैं, यदि आपके सामने आ जाए 42875, ये 42875, इसका क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम स्टेप में क्या करते हैं, 3-3 अंकों का समूह बनाते हैं इकाई की तरफ से प्रारंभ करते हुए। तो पहला समूह ये हो गया, दूसरा समूह ये हो गया। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रथम समूह का केवल इकाई अंक देखना है, इकाई अंक देख के ही घनमूल का इकाई अंक पता लगाना है। तो दी गई संख्या का इकाई अंक 5 है। जब हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि किसी संख्या का, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उसका इकाई अंक 5 है तो घनमूल का इकाई अंक भी कितना होता है, 5। अब आपको प्रथम समूह को भूल जाना है, इसके बाद आना है दूसरे समूह पे, यहां लिखा हुआ है 42। अब आपको देखना है 42 के बराबर या 42 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या, तो हम जानते हैं 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का 64, 4 का 64 ज्यादा चला गया, तो 42 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या होती है 27, और 27 किसका घन होता है, 3 का, तो इस दी गई संख्या के घनमूल का दूसरा अंक कितना हो जाएगा, 3। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, घनमूल आ गया। और देखते हैं उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। अंडर रूट 185, अंडर रूट 185 193, ये है, इसका आपको क्यूब रूट पता करना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है, इकाई की तरफ से प्रारंभ करते हुए 3-3 अंकों का समूह बनाना है। तो ये हो गया आपका प्रथम समूह, ये हो गया आपका द्वितीय समूह। अब क्या करना है, प्रथम समूह में केवल 1 अंक देखना है आपको, इकाई का अंक, इकाई का अंक देख के ही पता लगाना है कि घनमूल का इकाई अंक कितना होगा। तो आपके सामने लिखा हुआ है इकाई अंक 3 है, जब इकाई अंक 3 होता है तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा, यह आ गया। अब इसको भूल जाना है, इसके बाद आना है 185 पे। अब आपको पता लगाना है कि 185 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो इस तरफ आ जाओ, ये 216 और ये 125, तो 185 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या है
125, 125 किसका घन होता है? 5 का। तो आपके पास घनमूल का दूसरा अंक कितना आएगा? 5। तो दी गई संख्या 185, 193 का घनमूल जो होगा, क्यूब रूट जो होगा, वो कितना होगा? 57 होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। क्यूब रूट पता करना है आपको, 314, 432 का। इसमें क्या करते हैं, वही सबसे पहले अब थोड़ी फास्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब समूह जो बनाएंगे या हम जो भी देखेंगे, छोटी घन संख्या देखेंगे, ये सारा का सारा आपको मन में कैलकुलेट करना है और फास्टली कैलकुलेट कैसे किया जाए उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था समूह बनाते हैं, तो समूह पहला ये होगा, इसका इकाई अंक 2 है। जब मैंने बताया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 होता है तो उसके घनमूल का इकाई अंक कितना होता है? 8। 3 अंक छोड़ देंगे क्योंकि ये एक समूह है। अब दूसरे समूह पे आ जाएंगे, 314। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि 314 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। तो 314 से, ये 343 314 से ज्यादा है, 314 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या 216 है। 216 किसका घन होता है? 6 का। तो आपके जो संख्या दी गई है उसके घनमूल का इकाई अंक दूसरा अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो दी गई संख्या का घनमूल कितना आ गया? 68 आ गया। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं, आपके सामने आ जाए, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 493039 का। 493039 इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखते ही बता देना है 9 आ रहा है इकाई का अंक, तो घनमूल का इकाई अंक जब 9 आता है तो घनमूल का भी 9 लिख दिया। 3 अंक छोड़ देंगे, इसके बाद अगले 3 अंक पे आएंगे, 493। 493 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या 512 बड़ी है और 343 छोटी है। 343 किसका घन होता है? 7 का। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 7। आपके पास आ गया दी गई संख्या का जो घनमूल होगा वो होगा 79। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं, यदि आपके सामने आ जाए 970 299, इसका क्यूब रूट पता करना है। तो सबसे पहले वही देखेंगे, दी गई संख्या का इकाई अंक 9 है, जब इकाई अंक 9 होता है तो घनमूल का इकाई अंक भी कितना होगा? 9। इसके बाद दूसरा समूह पता करना है 970, 970 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या 729, 729 किसका घन होता है? 9 का। तो घनमूल का दूसरा अंक कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरह से 99 हो गया, ये आपके सामने दी गई संख्या 970 का घनमूल आ गया 99। इस तरह से कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उसका क्यूब रूट पता करना हो तो क्यूब रूट इस तरीके से विद इन 5 सेकंड आसानी से पता किया जा सकता है। धन्यवाद।